हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पंचायत में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी क्या है, ये कब हुआ, क्यों हुआ, किसके किसके बीच हुआ, ये होने के बाद क्या हुआ, इसके प्रभाव और भी बहुत से बातें जो इस युद्ध से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन के एकत्रीकरण का एक बहुत प्रमुख कारण था। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और उनकी फ्रांसीसी सेना के बीच हुई। इस युद्ध को अक्सर निर्णायक घटना के रूप में माना जाता है, यानी कि डिसाइसिव इवेंट, जो कि अंत में भारत में ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख स्रोत बन गया। ये युद्ध मुगल के शासनकाल के दौरान ही हुई थी। हालांकि औरंगजेब के निधन के बाद जब प्लासी का युद्ध हुआ, तब मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय शासन कर रहे थे। क्या है प्लासी का युद्ध? जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, ये लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच हुई थी। व्यापार के विशेष अधिकार का मिसयूज किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा, जो कि बंगाल के नवाब को ये बात पसंद नहीं आई और बार बार बड़े पैमाने पर व्यापार के अधिकारों का मिसयूज होने के कारण सन 1757 यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। कॉजेस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी के युद्ध के कारण। प्लासी के युद्ध होने के अनेक कारण थे, जिनमें पहला था बंगाल के नवाब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए व्यापार विशेष अधिकारों का मिसयूज करना, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स के द्वारा टैक्स ना दिया जाना। और भी कारण थे, जैसे नवाब के इजाज़त के बिना ब्रिटिशों के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा हर बात पर नवाब को गुमराह करना, नवाब के दरबार से भागे हुए कृष्णदास को रहने और छुपने की जगह देना। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रमुख रूप से उपस्थिति इंडिया में फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम और बॉम्बे कैसल में थी। अंग्रेजों ने नवाबों और राजकुमारों के साथ किसी प्रकार का बाहरी और आंतरिक हमले के खिलाफ सुरक्षा के बदले गठबंधन करने का सहारा लिया और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के बदले में रियायतों का वादा किया। लेकिन समस्या तब हुई जब बंगाल के नवाब के शासन के अनुसार गठबंधन भंग होने लगा। नवाब ने कलकत्ता के किले को जब्त करना शुरू कर दिया और 1756 यानी कि 1756 में कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को कैद कर लिया। कैदियों को फोर्ट विलियम के एक तहखाने में रखा गया था। इस घटना को कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि केवल मुट्ठी भर कैदी ही कैद से बच पाए थे, जहां 6 लोगों वाले सेल में 100 से अधिक लोगों को रखा गया था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक हमले की प्लानिंग की और रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को रिश्वत दी और उन्हें बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को कलकत्ता के पास भागीरथी नदी के किनारे प्लासी में लड़ा गया था। 3 घंटे की भारी लड़ाई के बाद बहुत ज़्यादा तबाही हुई और जिसमें नवाब की हारने की नौबत आई, क्योंकि लड़ाई के दौरान अपने हथियारों की रक्षा की योजना में कमी थी और मीर जाफर का नवाब को धोखा देना एक प्रमुख कारण था उनकी हार के लिए। 50,000 सैनिकों, 40 तोपों और 10 युद्ध हाथियों के साथ सिराज उद दौला रॉबर्ट क्लाइव के 3,000 सैनिकों से हार गए थे। युद्ध तकरीबन 11 घंटे में समाप्त हो गई और सिराज उद दौला भाग गए। रॉबर्ट क्लाइव के अनुसार ब्रिटिश सैनिकों में 22 लोग मारे गए और 50 घायल हुए। नवाब की सेना में लगभग 500 लोग मारे गए, जिनमें कुछ प्रमुख अधिकारी भी शामिल थे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में किस किस ने भाग लिया और उनका क्या योगदान था। सिराज उद दौला, जो बंगाल के नवाब थे, ब्लैक होल घटना नवाब के कारण हुई थी, जिसमें उन्होंने 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया और उन सभी को एक छोटे से कमरे में कैदी बनाया, जिसमें 123 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के विशेष अधिकारों को मिसयूज करने से रोका, कलकत्ता के अंग्रेजी किले पर हमला किया और जब्त कर लिया।
रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, राजनीतिक भौगोलिक कृष्णदास को रहने की जगह दी, व्यापार में विशेष अधिकारों का दुरुपयोग किया, नवाब की इजाजत के बिना कलकत्ता के किले बंदी भी की। मीर जाफर जो कि नवाब के सेनापति थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिश्वत ली, नवाब के खिलाफ साजिश रची क्योंकि उसे अंग्रेजों द्वारा नवाब बनाया जाना था, युद्ध के दौरान नवाब को धोखा दिया। राय दुर्लभ जो कि एक हिंदू शासक थे, सिराज उद दौला के साथ सेना में शामिल हो गए लेकिन लड़ाई में भाग नहीं लिए और सिराज उद दौला को धोखा दिया। जगत सेठ जो कि एक प्रभावशाली बैंकर थे, नवाब के खिलाफ सारे साजिशों में शामिल हुए और उनकी हत्या के साजिश में भी शामिल हुए। ओमी चंद जो कि बंगाल के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, 1757 में प्लासी की लड़ाई से पहले रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नवाब के साथ की गई साझेदारी के खिलाफ साजिशों में शामिल हुए थे। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी के युद्ध के प्रभाव की। ब्रिटिशों को उत्तरी भारत की राजनीतिक सत्ता हासिल हो रही थी नवाबों के बाद, लेकिन कई प्रभाव सामने आए प्लासी के युद्ध के बाद जिन्हें दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला राजनीतिक प्रभाव यानी कि पॉलिटिकल इफेक्ट्स, दूसरा आर्थिक प्रभाव यानी कि इकोनॉमिकल इफेक्ट। पॉलिटिकल इफेक्ट, कुछ बिंदुओं द्वारा हम पॉलिटिकल इफेक्ट यानी कि राजनीतिक प्रभाव को समझ सकते हैं। पहला, प्लासी की लड़ाई के कारण फ्रांसीसी सेनाओं का अंत हुआ। दूसरा, मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। तीसरा, मीर जाफर सत्ता में अपने स्थिति से नाखुश थे, इसलिए उन्होंने अपनी नींव मजबूत करने के लिए डचों को अंग्रेजों पर हमला करने के लिए उकसाया। चौथा, 25 नवंबर 1759 यानी कि 1759 को चिनसुड़ा की लड़ाई डच और ब्रिटिश सेनाओं के बीच लड़ी गई। पांचवा, उसके बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के रूप में स्थापित किया। छठा, बंगाल में ब्रिटिश सबसे शक्तिशाली यूरोपीय बन चुकी थी। सातवा, रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड क्लाइव के नाम से जाना जाने लगा। प्लासी के बैरन और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उन्हें सीट मिली। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की यानी कि इकोनॉमिकल इफेक्ट। भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई और जीतने के बाद ब्रिटिश ने टैक्स कलेक्शन के नाम पर बंगाल के निवासियों पर गंभीर नियम और कानून लगाने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको किसी टॉपिक या विषय के बारे में और जानना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।